और हिदायत के लिए एक अमल याद रखिए, किसी बंदे का अकीदा ठीक ना हो, किसी बंदे के अमल ठीक ना हो, माँ बाप का नाफरमान हो या और ऐसी कोई उसके अंदर ऐब हो, तो उसको एक वजीफा करवाएं। कौन सा वजीफा? या रहमान, या रहीम, या हादी। ये तीन लफ्ज़ याद रखें, या रहमान, या रहीम, या हादी। अगर आप किसी को कहेंगे ना कि भाई पढ़ो तुम नेक बन जाओगे, वो नहीं पढ़ेगा। आप हिकमत से काम लें। अगर कोई बच्ची है, बेनमाजी है, दुनिया की तरफ लगी हुई है, दीन की तरफ आती नहीं है, उसको कहे कि बच्चा ये अमल करो, हर नमाज नमाज पढ़ो और नमाज के बाद ये 21 मरतबा या रहमान, या रहीम, या हादी। और अगर नमाज नहीं भी पढ़ती तो वैसे ही दिन में 21 मरतबा पढ़ ले या रहमान, या रहीम, या हादी, तो तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह हो जाएगा। अब ये बात ऐसी है कि जिसको सुन के हर लड़की मुतवज्जे हो जाती है, मेरा रिश्ता अच्छी जगह पे हो, मैं हर अमल करने को तैयार हूँ। तो वो ये अमल करेगी, रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाएगा और उसको हिदायत भी मिल जाएगी, वो नेकी की तरफ भी आ जाएगी। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे।